ऋषि पुत्र सुबे सिंह यादव जी हैं, नारनौल हरियाणा से। इन्होंने प्रश्न किया हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मार्मिक प्रश्न है, सार्वजनिक है। वे कह रहे हैं कि बौद्ध मत का खंडन करके भगवान श्री शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया है, तो फिर हिंदू लोग गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार क्यों बतलाते हैं, क्यों मानते हैं? अर्थात ये पूछना चाह रहे हैं कि जब भगवान शंकराचार्य बौद्धों का खंडन करते हैं, बौद्ध मत का खंडन करते हैं, भगवान बुद्ध का खंडन करते हैं, उनके सिद्धांत का खंडन करते हैं, तो फिर ये जो सनातन धर्मी लोग और बुद्ध को भगवान क्यों बतलाते हैं? दशावतारों में, 24 अवतारों में भगवान बुद्ध की परिगणना क्यों है? लोग क्यों भगवान बुद्ध क्यों कहते हैं, क्यों मानते हैं उन्हें भगवान? तो देखिए, इसका यह समाधान है, क्योंकि वे भगवान हैं। बुद्ध भी भगवान है और बौद्धावतार भी हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, हुआ है। हम लोग बुद्ध को भगवान मानते हैं, समस्त सनातनी जो भी सनातन धर्मी हिंदू हैं और भी हैं, वे सभी जो है बुद्ध को भगवान मानते हैं। परंतु हम लोग बुद्ध का सिद्धांत नहीं मानते हैं, उनकी कही हुई बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वेद के विपरीत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस दृष्टि से इसलिए हम इसलिए किसी सिद्धांत का अनुसरण नहीं करते कि वे भगवान कह रहे हैं, नहीं, वे वेदों की बात को कह रहे हैं, वेद के सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, हम उसी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, नीति की बात को। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सटीक उदाहरण है कि किसी का पिता मदिरा पान करने लग जाए, कोई व्यभिचार करने लग जाए, गलत कार्य करने लग जाए, तो ऐसा नहीं है कि उसके पुत्र उसको पिता नहीं मानेंगे। पिता तो मानेंगे, वही पिता रहेगा, है वो पिता है, परंतु हम उनकी बात को नहीं मानेंगे। वे कहते कि चोरी करके लाओ, तो उनके पुत्रों को चोरी नहीं करना। वो कहता है कि भैया जो है व्यभिचार करो, हमारे साथ जो है गलत कार्य करो, तो वो नहीं करना, पर पिता तो वे रहेंगे ही। इसी दृष्टि से भगवान बुद्ध ने जो है वेद से हट करके वेद के विपरीत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसलिए समस्त सनातनी लोग उनको भगवान तो मानते हैं, भगवान हैं, परंतु उनके सिद्धांत का अनुसरण नहीं करते हैं। इसी बात को गोस्वामी प्रभुपाद भगवान के परम भक्त श्री तुलसीदास जी ने इस बात को कहा हुआ है कि वेदों की महिमा का बखान करते हुए वे कहते हैं कि वेदों की इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान श्री हरि भी यदि वेदों की निंदा करने लगे तो हम उनको भी निंदित मानते हैं, उनको भगवान मानते हुए भी, उनकी पूजा करते हुए भी जो है उनके सिद्धांत का अनुसरण नहीं कर सकते। इतनी महिमा वेदों की है। अतुलित महिमा वेद की, तुलसी कियो विचार, जे निंदित भय जगत बुद्ध अवतार। जो है वेद की इतनी महिमा है कि जिन वेदों की निंदा करने पर भगवान होते हुए भी बुद्ध को हम जो है नहीं मानते हैं, उनके सिद्धांत का अनुसरण नहीं करते हैं, वे बुद्ध भी निंदित हो गए, क्योंकि जिन्होंने वेदों की निंदा की। और भी बात धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज अपने ग्रंथों में लिखते हैं, संघर्ष और शांति नाम का ग्रंथ है, उसमें कुछ लेख में लिखा है कि श्रीमद् भगवत गीता इसलिए प्रमाणित नहीं है कि वो स्वयं भगवान श्री हरि ने कही है। ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूं, इस बात को समझना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ लगा लेंगे आप। कि गीता, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहते हैं कि गीता इसलिए प्रमाणित नहीं है क्योंकि वे भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं इसलिए प्रमाणित नहीं है। तो गीता किस लिए प्रमाणित है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन,
जो सर्वोपनिषदों गावो, समस्त उपनिषद रूपी गायों का जो है दुहा हुआ जो दुग्ध है रूप में गीता है, यानी समस्त उपनिषदें जो है, उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है, तो जो उपनिषद रूपी जो गाय हैं तो उनका दुहा हुआ यानी उपनिषदों का ही सिद्धांत दुग्ध रूप में, सार रूप में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिपादित किया है, इसलिए गीता परम प्रमाणित है, क्योंकि वेदों का सार सार भूता है, इसलिए गीता प्रमाणित है। तो कोई भी सिद्धांत, कोई भी महापुरुष, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रंथ, कोई भी अवतार तब तक प्रमाणित नहीं होता जब तक वेदों से संबंध नहीं रखता। जो वेदों का अनुसरण करते हुए वेदों का प्रतिपादन करते हैं तो वे ही पूज्य होते हैं। यद्यपि वो पिता हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, हम मानेंगे, लेकिन उनकी बात का, उनके सिद्धांत का अनुसरण नहीं करेंगे। ये है धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज ने एक लेख लिखा है कि बौद्धावतार प्रयोजन। भगवान बुद्ध ने फिर ऐसा क्यों किया, अर्थात जो है वेदों का खंडन क्यों किया? वेद तो स्वयं भगवान श्री हरि के ही श्वास प्रश्वास हैं। जय की सहज श्वास श्रुतिचारी, तुलसीदास जी लिखते हैं बालकांड में, सो हरि पर यह अचरज भारी। भगवान श्री हरि की ही श्वास प्रश्वास भूता जो वेद ऋचाएं हैं उनका ही स्वयं भगवान श्री हरि क्यों खंडन करते हैं? तो बौद्ध अवतार प्रयोजन, बौद्ध अवतार क्यों हुआ, इस बात पे स्वामी जी लिखते हैं कि कलयुग के कलुषित प्राणी, कलि के कलह में आबद्ध लोग वेदों के नाम पर हिंसा में प्रवृत्त हो रहे थे। यद्यपि हमारे यहां प्रतिपादित है एक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, जो वेदों में प्रतिपादित है जो है विशेषण आदि है वो हिंसा नहीं है, लेकिन उससे हट करके मनमाने अपने जिह्वा लौल्य के कारण वे जो है पशु हिंसा में बलि प्रथा में प्रवृत्त हो रहे थे। इस दृष्टि से उनको वहां से अनधिकारी लोग भी उसमें घुस रहे थे, अनधिकारी लोग भी वेद के आचरण में अग्रसर हो रहे थे, उसमें प्रवृत्त हो रहे थे। तो अनधिकारियों को वहां से व्यावृत करने के लिए, अनधिकारियों को वैदिक मार्ग से हटाने के लिए, और जे जो लोग हिंसा में अत्यधिक प्रवृत्त हो रहे थे उनको वहां से हिंसा से हटाने के लिए भगवान बुद्ध ने जो है ये मार्ग अपनाया। उन्होंने वेदों की और वेदों में प्रतिपादित सिद्धांतों की जो है निंदा करना, खंडन करना प्रारंभ किया। तो अब भगवान किसी चीज का प्रतिपादन करें, चाहे वो अधर्म का ही मार्ग क्यों नहीं हो, वो भी बड़ा जो है लोग उनके पीछे लग जाएंगे और अनुसरण करेंगे, लोग उनकी बात को मानेंगे, क्योंकि स्वयं जो है भगवान कह रहे हैं, तो लोग उसमें प्रवृत्त हुए। कारण ये हुआ कि अनधिकारी भी उसमें से बाहर हो गए और अधिकारी लोगों ने भी वैदिक कर्म कांड का त्याग कर दिया, वे भी उससे निवृत्त होने लगे। तब और जो बौद्ध लोग थे वे बौद्ध लोग भी जो भगवान बुद्ध का बताया हुआ सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, उस सिद्धांत जो प्रतिपादित किया उसका जो बुद्धानुयायी हैं उसका प्रतिपादन करने वाले, उसका अनुसरण करने वाले बौद्ध कहलाते हैं। तो वे बौद्ध लोग भी आगे चल के ऐसे हो गए कि वो वेद में जो जिस हिंसा का, वेद में जिस कर्मकांड का, वेद में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उसका तो खंडन करें केवल वाणी रूप में, और आचरण स्वयं गलत करें, यानी वेद में जिस बलि प्रथा का जो विधान है उसकी निंदा करें। जैसे कि आजकल लोग भी अनर्गल प्रलाप करते हैं कि भाई वेद की अपने स्वयं जो है सिद्धांत बनाने लगते, मेरी भावना ये कह रही है, आप कौन है भाई, आपकी भावना प्रमाणित तो नहीं है। धर्मम जिज्ञास्यमाना नाम परमम प्रमाणम श्रुते है श्रुति ही, जो है धर्म में जो है जिज्ञासा रखने वाले, धर्म क्या है अधर्म क्या है इसमें परमम परम प्रमाणित जो है वेद ही है, श्रुति है, वेद प्रणीतो धर्म, वेद ही जो है धर्म को बतलाते हैं। वो न मान करके अपनी बात को रख देते हैं कि भाई हमारा
मन ये कह रहा है कि भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये सब बौद्ध की ही बातें हैं जो कि उनके दिमाग में घुस गई हैं, वो ऐसी बात करते हैं। तो भगवान बुद्ध के अनुयायी लोग भी जो वैदिक हिंसा का तो खंडन करें और स्वयं मांस भक्षण करते थे, तो ऐसे विपरीत आचरणों को देख करके और जिनका वेद में अधिकार है उनको भी वैदिक मार्ग से व्यावृत्त देख करके भगवान शंकर स्वयं ही जो है शंकराचार्य के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए और उन्होंने पुनः वैदिक मार्ग का जो है संस्थापना की, वैदिक मार्ग वैदिक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया, लोगों में उसकी जागृति की। तो जो अनधिकारी लोग और अधिकारी लोग भी जो वैदिक मार्ग से व्यावृत हो गए थे, हट गए थे, तब भगवान आदि शंकराचार्य ने अधिकारियों को पुनः उसमें संलग्न किया। तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि बुद्ध भगवान नहीं थे, वो उनका बुद्ध का अवतार का प्रयोजन अलग था और भगवान शंकराचार्य के अवतार का प्रयोजन अलग था। ये समय समय पर ये प्रयोजन होते हैं। बहुत से लोग जो है जब ये देख सुना, ये कथा बहुत ज्यादा प्रचलित हुई कि भगवान विष्णु ने ही वृंदा का सतीत्व भंग किया, तो बड़े बड़े हमारे जो है पूज्य गुरुदेव इस बात का जो है खूब कई बार जो है हमको बतला चुके हैं, कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि एक समय था जब इस कथा को लेकर के बड़े बड़े वैष्णवाचार्य भी भगवान विष्णु के इस कृत्य को स्वीकार नहीं कर पाए। वे कहते थे कि ये जो है वृंदा का चरित्र शास्त्रों में पक्षपित है, इसको जबरदस्ती लिख दिया गया है, जो है विधर्मियों ने इसको लिख दिया है। तब धर्म सम्राट स्वामी कृपाती जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, ये जो है वेदों में जो लिखा हुआ हमारे यहाँ हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद पर्यंत काना मात्रा भी प्रमाणित है, जो लिखा है वो सब सही है, उसको समझने की जरूरत है बस। ये जो वृंदा जो थी वो परम सती असुराधिप नारी तहें बलताहिन जितेउ पुरारी, जलंधर की पत्नी वृंदा जो बड़ी पतिव्रता थी, जिसके कारण भगवान शंकर भी और जलंधर का जो है वध नहीं कर पा रहे थे, तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके और वहां गए और उसको अपनाया, उसका अंग स्पर्श आदि किया, तो यद्यपि वो समझ गई कि ये हमारे पति नहीं है, लेकिन फिर भी पर पुरुष के द्वारा स्पर्श आलिंगन इत्यादि कर लेने पर ही उसका सतीत्व भंग हो गया और इधर भगवान शंकर ने उसका जालंधर का संहार कर दिया। तब वो वृंदा ने उनको शाप दिया, तो वो जो है शालग्राम शिला के रूप में आज भी प्रतिष्ठित हैं और वृंदा स्वयं जो है तुलसी महारानी बनी और भगवान का ही उसने जो है भक्ति का वरदान मांगा और उनकी पूजा बिना तुलसी के पूर्ण नहीं होती है, ये भी स्पष्ट है। तो वो वृंदा का सतीत्व भंग भगवान ने किया, बात ये चल रही है। जिस सिद्धांत का भगवान प्रतिपादन करते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, और वे भगवान यदि पातिव्रत धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, पातिव्रत धर्म का खंडन कर रहे हैं, किसी सती माता का, किसी पतिव्रता पतिपरायणा जो है वृंदा का या किसी भी स्त्री का चरित्रशील भंग कर रहे हैं, तो ये कहां तक उचित है? उचित है कि यदि एक पतिव्रता का पातिव्रत भंग करने पर अनेक पतिव्रताएं यदि सुरक्षित रहती हों, एक व्यक्ति के बलिदान देने पर अनेक व्यक्ति जो है सुखी रहते हों, तो उस व्यक्ति का बलिदान दे देना चाहिए, उसका पातिव्रत भंग कर देना चाहिए। ये जो है सिद्धांत है, क्योंकि वो जो जालंधर था वो अनेक माताओं का जो है अनेक महिलाओं का चरित्र भंग करता था, अनेक का बलात्कार करता था, अनेक का शील भंग करता था, पातिव्रत भंग करता था। इस दृष्टि से उस वृंदा का केवल भगवान ने उसको वृंदा को अपना लिया, वे तो सर्वभूत हृदय है भगवान, तो
सर्वमय है, सबके पति हैं, आत्मा के ही पति हैं, तो कोई भी अंतर नहीं है। इस दृष्टि से वो भगवान का वृंदा का शील भंग करना भी उत्तम ही था, उचित ही था। इसी प्रकार ये जो है भगवान की भगवत्ता पर कोई भी आँच आने वाली नहीं है, वे हमारी दृष्टि से समझने में भेद हो सकता है, उनके कृत्यों में कोई भी भेद नहीं है। हर समय पर हर कार्य को, किस कार्य को कैसे करना है, ये वे ही जानते हैं। भगवान के अवतार के अनेक अवतार हैं और एक अवतार के कोई एक ही प्रयोजन नहीं होता, अनेक प्रयोजन होते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। भगवती पार्वती जी ने भगवान शंकर को पूछा कि भगवान का अवतार क्यों होता है, भगवान का अवतार क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि राम जी का ही अवतार, सभी अवतारों के बारे में पूछा कि अवतार क्यों होता है। तो भगवान शंकर ने क्या कहा कि भगवान का अवतार किस लिए होता है, ये कहना हमारे बस की बात नहीं है। हम नहीं बता सकते भगवान का अवतार क्यों होता है। हाँ, दो एक कारण बतला सकता हूं। हरि अवतार हेतु जेह होई, इद मिथम कई जातन सोई। भगवान का अवतार इसीलिए होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान के जन्मों के हेतु अनेक होते हैं, कई कारण होते हैं, वे ही समझते हैं। दो चार कारण है, कुछ कारण तो सभी अवतारों में एक जैसे हैं और कुछ अलग अलग अवतारों के अलग अलग प्रयोजन होते हैं। ये आचार्य लोग, वेद लोग और ईश्वर कल्प लोग ही इस बात को समझ सकते हैं, और जहाँ तक जिसको समझ में आता है वो उसका व्याख्यान करते हैं। मुख्य रूप से भगवान बुद्ध का, वो उनको बुद्ध न मान, उनको भगवान न मानना ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान हैं, परंतु उनका जो है सिद्धांत हमारे सिद्धांत से विपरीत है। हम उनके सिद्धांत को नहीं मानते हैं, उन्हें भगवान अवश्य मानते हैं। हर हर महादेव।